जो ऐतिहासिक किरदार है जिन्होंने देश में के प्रति कुछ योगदान दिया है, और जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अनसंग हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, जैसे झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी टुकड़ी में थी, उनके बारे में कोई जानता नहीं है। तो मैं ऐसे किरदारों को समाज में रखती हूँ कि जब हम थिएटर इन बच्चों के साथ पेश करें तो जो समाज देख रहा है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और मिर्च मसाले के हिसाब से ना देखे, समाज में एक अच्छे संदेश को हम उस निर्वहन करें। हम जहाँ एक और दिनों दिन समाज हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता मानो भूलता सा जा रहा है। लेकिन अभी भी हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो उस संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं, उस संस्कृति को बनाए हुए हैं, और ना खुद सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी है जिनका नाम है प्रियंका शक्ति ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, लेखक हैं, और हाल ही में आश्रम 3 में इन्होंने अभिनय किया है दर्शन कुमार, दर्शन कुमार की छोटी बहन का, राइट, बड़ी बहन का, बड़ी बहन का किरदार निभाया है। मुझे आप एक बात बताइए, किस तरीके से आप अभिनय की दुनिया में आए या क्या क्या आप करते हैं? बहुत छोटी सी उम्र, 13 साल की उम्र से मैं रंगमंच में जुड़ी, और रंगमंच के साथ साथ मैं थिएटर एक्टिंग, थिएटर डायरेक्शन, राइटिंग, और फिर शायद थिएटर ने ही मुझे इतना इंटरेस्टिंग मतलब बना दिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मेरा झुकाव हुआ। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पर आप जैसे बच्चों को सिखाते हैं, आप बता रहे थे कि रूरल एरियाज़ में भी कुछ, किस तरीके की आप वहाँ पर नागपुर में क्या बच्चों को प्रेरणा देते हैं या क्या सिखाते हैं? मैं थिएटर क्लासेस मेरी चलती हैं, प्रयास बहुद्देशीय सामाजिक संस्था है मेरी, उस संस्था के मार्गदर्शन से मैं कई बच्चों के साथ क्लासेस लेती हूँ। कई ऐसे बच्चों को भी हम शिक्षा देते हैं जो बच्चे इस थिएटर की दुनिया से अवेयर हैं और उन्हें पता ही नहीं है, तो हम समाज में एक थिएटर के जरिए एक अच्छा संदेश पहुँचे, ऐसा मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला है, प्लेटफॉर्म ना मिला है, उन्होंने कभी देखा नहीं है, तो ऐसे बच्चों को मैं कलेक्ट करती हूँ और जिन्हें थिएटर सीखना है उनको ग्रूम करते हैं और उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। आप लेखक भी हैं, तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप? लेखन तो मेरे को कोरोना काल ने सिखा दिया, क्योंकि अच्छा, मैं कुछ भी नहीं, टैलेंट आपका सामने, टैलेंट मेरा सामने आया कोरोना काल में, और 2 साल से करने को कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं थी, तो बंद कमरे में बंद करके मैंने एक किताब लिखी, शौर्य मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो एक वुमन एम्पावरमेंट के हिसाब से लिखी गई है, और वो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप सभी उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक तरफ जहाँ पर फेमिनिज्म की बात होती है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं एज अ वुमेन? आप फेमिनिज्म को क्या, इसको अच्छा समझते हैं कि क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हूं, और मैं काफ़ी समय से इस बात, कई लोग फेमिनिज्म वर्ड का बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं कई महिलाएं, जो कि बहुत गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर औरतों को सम्मान मिला है और आज इतने बड़े स्तर पर खड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे एक पुरुष का सपोर्ट है। जैसे हम कहते हैं कि इस महिला के आगे बढ़ने में कोई ना, इस पुरुष को आगे बढ़ने में इस पीछे इसके कोई महिला का सपोर्ट होगा, वैसे ही अगर कोई महिला आगे बढ़ती है तो पीछे उसके पुरुष का सपोर्ट होता है, और चाहे वो पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, या व्हाटएवर कोई भी हो, लेकिन बिना सपोर्ट के कोई भी महिला इतने आगे बढ़ ही नहीं सकती, और वो सपोर्ट मिले उसी के साथ फेमिनिज्म भी चले। मतलब सपोर्ट कर रहे हैं एक महिला को, तो उसके पीछे पूरी दुनिया का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर नागपुर में आप अपना बच्चों को टीचिंग भी देती हैं, निशुल्क भी पढ़ाते हैं बच्चों को, इन सारी चीज़ें कैसे, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, या क्यों सोचा आपने कि मैं ये क्यों करूँ या क्यों करना? थिएटर तो पूरी दुनिया में कई लोग कर रहे हैं, थिएटर एक्टिविटीज़ कई जगह चल रही है, कई लोग प्रोफेशनल कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से करते हैं, मेरा ख्याल एंटरटेनमेंट नहीं है, मैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज को एक अच्छा संदेश दे सकूँ, इसलिए शायद आपको ये बात की मेरे बारे में जानकारी नहीं होगी, मैं सिर्फ ऐतिहासिक किरदारों पर ही काम करती हूँ, अनसंग पैट्रियोटिक जो कैरेक्टर्स हैं। आज़ादी का 75वां वर्ष, तो देश तो अभी 1 साल से मना रहा है, मैं पिछले 11-12 साल से उन्हीं कैरेक्टर्स पे काम कर रही हूँ, झलकारी बाई, टंट्या भील, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सब जो ऐतिहासिक किरदार हैं जिन्होंने देश में के प्रति कुछ योगदान दिया है, और जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अनसंग हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, जैसे झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी टुकड़ी में थी, उनके बारे में कोई जानता नहीं है, तो मैं ऐसे किरदारों को समाज में रखती हूँ कि जब हम थिएटर इन बच्चों के साथ पेश करें तो जो समाज देख रहा है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और मिर्च मसाले के हिसाब से ना देखे, समाज में एक अच्छे संदेश को हम उस निर्वहन करें हमारे थिएटर के द्वारा। जहाँ एक और हमारा थिएटर, हमारा ये एंटरटेनमेंट जो हिस्सा है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक गुमराह करने को भी बना दिया है, ठीक है हम मनोरंजन ले रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रियंका जैसे लोग भी हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं जो जिनके बारे में शायद हमारी
युवा पीढ़ी तो क्या, बड़े से बड़े लोगों को भी नहीं पता, आजकल बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता होगा। तो धन्य है आप लोग, ऐसा ही काम करते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आप लोगों ने भी आज काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। एंड प्रियंका जी की बुक जो अमेजोन पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिए एक बार। बुक का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी, शौर्या मेरी कहानी मेरी जुबानी, ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे सिद्धार्थ हैं, मेरा नाम हिमानी भट्ट है। साइनिंग ऑफ TNN वर्ल्ड। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो।